क्या है कि जो फीमेल का जो माइंड होता है वो बहुत छोटा होता है, उन्हें ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशराइज करने के आगे आए तो सामने वाले श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या जबलपुर टू अयोध्या का हमारा चल रहा है आज 9वां दिन, जिसमें कि आज सुबह हो चुकी है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, बाबा जी से मिलने के बाद अभी हम जैसे ही आगे आए तो हमें और भी ज्यादा बड़े बड़े भक्त जो है राम भक्त मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर से आ रहे हैं। तो देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? रोहित पटेल। जय श्री राम। रोहित पटेल, जय श्री राम। आपको कितने दिन हुए चलते और कहाँ से आ रहे हो? मेरा आज 16वां दिन है। तो पहले यात्रा कर रहे थे झारखंड से रांची बुढ़मू होता है, उसमें पहले यात्रा कर रहा हूँ और आज सफल हो तो अच्छा हुआ कि हम लोग कुछ क्षणों के बाद राम का नगरी में पहुँच गया। कुछ क्षणों के बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच जाएंगे और हम लोग पहुँच हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तो इसी दौरान हम सभी भाई लोग बोलते हैं, चलिए भाई कैमरा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अयोध्या पहुंच गए तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिल गया। कामयाब हुई? हाँ, कामयाब हो गई। और अभी तो प्रभु का जब दर्शन करेंगे उसके बाद तो समझो कि स्वर्ग नसीब हो गया हम लोग को। और ये जो साइकिल है, जो मोटरसाइकिल है, उसमें साइड करा दिया। उनके लिए कहा राजेश भाई सचिन तिवारी भैया, कहा अब्दुल भाई, कहा I'm gonna go get some more.
सच्चे मन से प्रभु को भजना और हनुमान जी के दरबार में भक्तों की ताली का बजना भी क्या बात है, जो मानते हैं जरूरी है, जरा हाथ उठाए उनका भी कल्याण कर देना। तो आज ये गुरुजी और ये कुछ बच्चे लोग मेरे साथ पड़े हुए थे और ये बहन जी अलग कैंप लगा के पड़ी हुई थी, इनको ठंडा ज्यादा लग रही थी। और ये एक छोटा सा बच्चा, और मैं बच्चा हूँ, ये देखिए बच्चा, और मैं बच्चा हूँ, ये देखिए बच्चा, ये देखो बच्चा। दोस्तों आपने तो देखा होगा, इतने बड़े बड़े तो मेरे ही बच्चे हैं। क्या बोल रहा है तो ब्लॉग करते हैं यहाँ से आज एंड। और अभी हम पहुँच चुके हैं अयोध्या राम मंदिर, तो बस कुछ ही देर में आपको रामलला के दर्शन कराते हैं और हम लोग स्नान करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और चलते हैं आगे और देखते हैं रास्तों के कुछ नए एडवेंचर, नए मजे और रास्तों के कुछ नए अनुभव के साथ बढ़ते हैं आगे। तो रास्ते में हमको कुत्ते भी देखे थे कल, कल दिखे थे कुत्ते छोटे छोटे। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं अयोध्या में और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक जो है एकदम फाड़ू सीन बना हुआ है राम जी का, एकदम बहुत ही खतरनाक सीन दिख रहा है आपको अयोध्या में। और ये देखिए आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगा श्री राम की नगरी में पहुंच के। अयोध्या में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए कितना खतरनाक जो है यहाँ का सीन है। तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, हम आपका भी और भी ज्यादा श्री राम प्रभु की नगरी के दर्शन करा रहे हैं। सभी राम भक्त जो है साइकिल यात्रा करके आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये चेक कीजिए दोस्तों, ये चेक कीजिए। और चलो चलते हैं रास्तों में और ज्यादा देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है प्रभु राम की नगरी में और कितना मजा आता है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अयोध्या और यहाँ पे हमने यहाँ बहुत खास पवित्र जमीन धरा जहाँ पे हमारे दो कार सेवकों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके श्री राम जन्मभूमि के लिए अपनी बलि चढ़ाई थी या अपने प्राणों की आहुति दी हुई थी, ताकि उनकी वजह से ही जो है आज राम जन्मभूमि में फिर से मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव या शुरुआत की थी। तो एक बार कार सेवकों के लिए भी बोलेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दोस्तों तो हम अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, जगह जगह पे जो है हमारी न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख के, क्योंकि राम प्रभु की जन्मभूमि में ये सब ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो हम लोग इतनी साइकिल यात्रा करके आए हुए हैं और यहाँ पे आके जो है बार बार हमें अलग अलग न्यूज वाले जो है कवर कर रहे हैं। ये देखिए अभी ANI न्यूज है और अभी News24 और इंडिया न्यूज ने भी हमें कवर किया हुआ था। ये देखिए हमारी जो बहन जी हैं अभी उनका इंटरव्यू चल रहा है और हमारा चला, इनका चला, सभी लोग का इंटरव्यू चल रहा है अभी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए हमारे
देखो गाइस ये चेक करो हमें हमारा इंटरव्यू लेने के लिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भी है यहाँ पे। सुबह हम लोग चाहे वहाँ 5 किलोमीटर ज्यादा दूर चले तो ये मिले बहन हमारे जा रहे थे बात हो गई थोड़ा सा गर्मी महसूस हुआ तो मैम बोले कि चाय पी लो। चाय भी नहीं पीती है, चाय भी इतनी ठंड में चाय वगैरह नहीं पीते। बोला कि बात किए हैं घर में, नहीं तो बोली बात किए हैं, ज्यादा प्रेशराइज नहीं किए क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, हमको भी लगता है कि अकेले नहीं आना चाहिए, वो गलत किए हैं। बट हो गया, राम जी का जो इच्छा है जाएंगे, स्नान करेंगे, भोजन कराएंगे, उसके बाद इनको दर्शन कराएंगे। उसके बाद दर्शन कराने के बाद हम इनसे सहायता की जरूरत है। आप लोग अगर सहायता करना चाहते हैं या महिला टैक्स में लेंगे उनको हवाले करेंगे उनके, क्योंकि इनको घर तक सेफ्टी पहुंचाना जरूरी है। ये हमारे ऊपर कुछ लेन दिक्कत आ जाएगी, नहीं भी दिक्कत है ये अकेली है जी, अकेली है। घर तक हमें सेफ्टी पहुंचाना है। इसी तरह से दर्शन कराएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे करा दीजिए, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उसके बाद हम उनको घर भेज देंगे। हमको यात्रा करने जाना है। कितने किलोमीटर का आप लोग काम कर रहे हैं? यो श्री राम दोस्तों, तो ये चेक करो, हमारा जो टीका लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा घटिया है और हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा ही खड़ूस टाइप के हैं और कम बचे हैं काफ़ी, क्योंकि हम जो है अभी सरयू नदी पर स्नान किए हुए हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम का निवास है। उस सरयू नदी पर हमने जो है अभी अभी स्नान किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, एकदम बर्फीला पानी। और ये देखो हमारे साथ आनंद ब्लॉग भी है अंगद जी, और ये जय श्री राम की शक्ति है, इसमें हम अंडे रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई चिड़िया है उसके पास घोंसला नहीं है तो हमारे पास ये है। यार ये सूरज बोल रहा है, सब राम जी का कृपा है। जय श्री राम दोस्तों, ये देखिए हमारी टीम कुछ यहाँ पे खड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, हैवी ट्रैफिक। मोदी जी आ चुके हैं। मोदी की मुचोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों ये चेक कर सकते हो अभी हम कहाँ पे हैं। राम 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 राम। अभी हम हैं हनुमानगढ़ी में। जय श्री राम। ये देखो दोस्तों बापूजी भी हैं। जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों गांधी जी जिंदा है अभी। गांधी जी प्रवीण
मंदिर में प्रवेश करें। ओके जय श्री राम। प्रवेश ना करें। जय श्री राम दोस्तों। तो हम पैदल यात्रा करेंगे, काफी दूर से आ चुके हैं और हमारे साथ वाले पता नहीं किधर गए, तो अभी उनको ढूंढते हैं। ये रहे हमारे साथ वाले, आइए चलते हैं उनके पास और मोबाइल वगैरह जमा करने का स्थान ढूंढते हैं कि कहाँ पर जो है हमारा मोबाइल वगैरह जमा होगा। तो मोबाइल अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमको ये जमा करना पड़ेगा। तो ये बस यहीं तक काम आएगा। इसके बाद जो है वो रहा राम मंदिर, थोड़ा सा आगे जस्ट आपको राम मंदिर दिख जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो देखिए राम मंदिर। तो हम अयोध्या में हैं और हमारे 10वें दिन में जबलपुर टू साइकिल अयोध्या यात्रा जो है सफल हुई और हम अयोध्या फाइनली पहुंच गए हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारी अयोध्या, अयोध्या नगरी, जो कि 22 जनवरी के लिए कितनी ज़्यादा रेडी और तैयार हो रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए अभी से इतनी भीड़ है, तो 22 को क्या होगा आप अंदाज लगा लीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आओ पानी पी के आते हैं और फिर चलते हैं आगे, जल्दी आओ। भाई सारण है और हम आ चुके हैं अयोध्या राम मंदिर, तो जहाँ पे हम करेंगे अभी श्री राम लला का दर्शन और अयोध्या का मंदिर। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि मोबाइल, पर्स, जूते, चप्पल कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम इनको यहीं पर उतारेंगे और जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने जूते वगैरह उतारने के लिए। माला साला सब उतार दो। हाँ उतरेगा, उतरेगा, जूता पूता कुछ नहीं, माला नहीं उतारेगा। अरे उतरेगा, कुछ भी नहीं ले जाने। दोस्तों मेरे पीछे जो है वो है अयोध्या राम मंदिर, और अभी हमको जहाँ पे भटकाया गया वहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये चेक करो गाइस, यहाँ से दिखता है बढ़िया से राम मंदिर का व्यू, और अभी हम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा भटकाया गया यहाँ वहाँ पे, और हमने यहाँ से भटकते हुए ये सीख ली कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है और राम मंदिर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे आके खुद ही एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि यहाँ एंट्री नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको बाहर बाहर से घुमा दिया जाएगा, और एक मंदिर के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल सकता है। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके का व्यू देखने मिल सकता है राम मंदिर का दूर से, लेकिन उसके पास जाने का जो है आप कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि पास तो जाने मिलेगा भी नहीं वैसे भी आपको। तो चलिए चलते हैं नीचे और अपने दोस्तों को बताते हैं कि वहाँ नीचे से ज़्यादा यहाँ ऊपर से मंदिर अच्छा दिखता है, तो वो भी देख ले आके। तो हम तो दोस्तों जुगाड़ू हैं और जुगाड़ करके हमने देख लिया कि राम मंदिर पास से कैसा दिखता है। तो यहीं से करेंगे जय जय श्री राम और चलते हैं अपने जुगाड़ू दोस्तों को बताने के लिए कि हमने एक नया रास्ता खोज लिया है जहाँ से बहुत ही आसानी से हम जो है राम मंदिर जा सकते हैं। जय जय श्री राम। सो हेलो फ्रेंड्स, टॉप लाइन न्यूज़ से बोल रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, स्वागत है आप लोग का।